ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। हमारे हाथ खिलाए हुए तो आपको जो आरोप लगा उसे तकलीफ हो रही है? हमको बहुत ज्यादा तकलीफ, कभी शरारते नहीं रहे। आपके तो आंखों में आंसू आ रहे। आंसू रात दिन आप क्या करें, ये पूरा झूठा जाल है, ये बहुमन तिवारी का पूरा खेल है, राजनीतिक षड्यंत्र है। हाँ, राजनीतिक। नवाब सिंह यादव को गोद में खिलाया, बचपन से बड़ा होता देखा और अब नवाब सिंह यादव की रेप केस में गिरफ्तारी के बाद इन चाचा का रो रो कर बुरा हाल है। कन्नौज कांड में नाबालिग से रेप का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर लगा, जिसके बाद यूपी की राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच यूपी तक की टीम नवाब सिंह यादव के गांव अड़ंगापुर पहुंची और लोगों से नवाब को लेकर बातचीत की। इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई राजन सिंह यादव से। नवाब सिंह यादव को तो आपने बचपन से देखा होगा। हाँ, बचपन हमारे हाथ खिलाए हुए। तो आपको जो आरोप लगा उसे तकलीफ हो रही है? हमको बहुत ज्यादा तकलीफ। बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा। कैसे थे बचपन से? वो बचपन स्वभाव बहुत अच्छे रहे, पहलवानी करे, राजनीति में आए और स्वभाव गरीब की उनने सुरक्षा करी हर वक्त। कहीं मट्टी हुई तो उन्हें फौरन 5,000 रुपये दिए, इसका क्रियाकांड करो जाके। ये इनका स्वभाव आज भी है, अब भगवान जाने क्या हुआ है। सीधे थे बचपन या शरारती थे? हैं, सीधे थे या शरारती थे बचपन? नहीं, सीधे थे, शरारती कभी नहीं थे, कभी शरारती नहीं रहे। आपके तो आंखों में आंसू आ रहे। आंसू रात दिन आप क्या करें, तो ये जो आरोप लगा है, हाँ, तो क्या लग रहा है कि ये झूठा है? ये पूरा झूठा जाल है, ये बहुमन तिवारी का पूरा खेल है, राजनीतिक षड्यंत्र है। हाँ, राजनीतिक। और उनका यहाँ इलाका क्षेत्र में जिला में कोई ऐसा नहीं है कह सकता ये गलत है। ये गलत है। हाँ, अच्छा, आप तो बचपन से देखे? हाँ, बचपन से। बहू बेटियों भी जो जाते थे तो वो कैसे, मतलब जो है बहू बेटियाँ उनने सुरक्षा करी, आपकी बेटी है बहन है तो उसे किसी ने छेड़ा है तो उसकी मदद उनने करी कि ये गलत नाजायज काम हर वक्त। ये नहीं कि तुमने गलत करो हम उस पर आरोप लगाए, नहीं सही है, उनने फौरन आरोप लगाया, ये नहीं होगा हमारे जीते जी, उन्हें नहीं होने दिया अपने। कन्नौज रेप कांड के आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव की बात करते करते गांव के रहने वाले राजन सिंह यादव सिसकियां लगाकर रोने लगे। नवाब के बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी बता दी। आपको बता दें कि कन्नौज में नाबालिग से रेप का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर लगा। आरोपी नवाब ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। वहीं सपा का कहना है कि नवाब सपा का सक्रिय सदस्य नहीं है। इस मामले में नवाब सिंह यादव पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता की बुआ, वो बुआ जो पीड़िता को उस रात नवाब सिंह यादव के पास लेकर पहुंची थी, उस बुआ की तलाश पुलिस टीम कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।